तो ये बात समझ में आई कि हम लोग वहाबी नहीं है और ना नजदी है। क्यों? इसलिए कि अरब में एक अजीम मुफक्किर और मुसलह पैदा हुआ था जिसका नाम था मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब। ये अरब के एक एरिए नजद में पैदा हुए थे, इसी वजह से उनको नजदी भी कहा जाता है। नाम क्या था? मोहम्मद। बाप का नाम क्या था? अब्दुल वहाब। पैदा कब हुए? 1115 हिजरी के अंदर। अब उनका नाम मोहम्मद, तो उनकी तरफ अगर अहले हदीसों को मंसूब करके बोलना है तो मोहम्मद ही बोलो, इसलिए कि उनका नाम मोहम्मद था। और अगर बाप की तरफ मंसूब करके हमको वहां भी कहा जाता है तो उनके बाप का नाम तो वहाब नहीं था, अब्दुल वहाब का, तो अब्दुल वहाब ही बोलो, इसलिए कि उनका नाम अब्दुल वहाब था, वहाब नहीं था। लिहाजा मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई कि हमें वहाबी क्यों कहा जाता है, और जबकि पता ये चलता है कि हमें मंसूब किया जाता है उन्हीं की तरफ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की तरफ, लेकिन ये निस्बत कुछ अब तक समझ में नहीं आई। अगर नाम की तरफ निस्बत है तो उनका नाम मोहम्मद था, हमें मोहम्मद ही कहा जाता। बाप की तरफ अगर मंसूब किया जाता तो अब्दुल वहाब ही कहा जाता, इसलिए कि बाप का नाम अब्दुल वहाब था। और आखिरी बात, ये हम्बलीयुल मसलक थे, और आपको मालूम है कि अहले हदीस किसी शख्सियत की तरफ अपने आप को मंसूब नहीं करता, अपने आप को हनफी नहीं कहता, अपने आप को मालिकी नहीं कहता, अपने आप को वो शाफी नहीं कहता, अपने आप को वो हम्बली नहीं कहता। ये हम्बलीयुल मसलक थे, इन्होंने अपनी निस्बत मशहूर इमाम इमाम अहमद इब्ने हम्बल की तरफ कर रखा था, और आपको मालूम है कि अहले हदीस अपनी निस्बत किसी शख्सियत की तरफ नहीं करता सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के। लिहाजा किस बिना पर हमें वहाबी कहा जाता है आज तक मेरी समझ में यह बात नहीं आई। अच्छा, इस आदमी से इन्हें दुश्मनी क्यों हुई हमारे भाइयों को? असल में इस बिचारे से एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। गुनाह क्या हो गया था? उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के ऊपर अमल कर लिया था, यह बहुत बड़ा गुनाह था उसका। किस हदीस के ऊपर अमल कर लिया था? इससे पहले कि मैं वो हदीस आपके सामने पेश करूं, मैं ये बता दूं कि एक जमाना ऐसा था कि सऊदी अरब के अंदर कब्रों को पुख्ता बना लिया गया था, और पक्की कब्रें बना बना करके लोग उन कब्रों से इस्तिंदाद करते थे, कब्र वालों को मुश्किल कुशाई के लिए पुकारते थे, उनसे इस्तिंदाद करते थे, मदद मांगते थे। हजरत मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने हुकूमत की मदद से इन तमाम पक्की कब्रों को उखाड़ दिया और उन्हें जमीन के बराबर कर दिया। उन्होंने कौन सा गुनाह किया? इन्होंने जो ये अमल किया दर हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में किया, और अगर हदीस पर अमल करना गुनाह है तो ये गुनाह उनसे हुआ है। वो कौन सी हदीस है? हदीस इस तरह, वान अभी الحياج الاسدي قال قال لي علي رضي الله تعالى عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا الا تمست ولا قبرا مشرفا الا سويته رواه مسلم في كتاب الجنائز। حضرت امام مسلم رحمه الله اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم کتاب الجنائز کے اندر لائے, راوی حضرت ابو حیاج اسدی ہے। حضرت ابو حیاج اسدی से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मोहतरम हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने मुझसे कहा कि अबू हय्याज, क्या मैं तुझे ऐसी मुहिम के ऊपर न भेज दूं जिस मुहिम के ऊपर खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा था। अबू हय्याज ने कहा कि ऐ नबी के दामाद मोहतरम, जिस मुहिम पर नबी ने आपको भेजा था, अगर आप मुझे भेजना चाहते हैं तो ये मेरे लिए सआदत की बात है। वो मुहिम कौन सी थी जिस मुहिम पर नबी ने आपको भेजा था?
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مہم کے اوپر بھیجا تھا کہ جو اسٹیچو نظر آئے اسے تو برابر کر دے, اسے مٹا دے, اور کوئی بھی ابھری قبر نظر آئے تو اس ابھری قبر کو برابر کر دے. ولا قبرا مشرفا الا سويته, کوئی بھی ابھری قبر نظر آئے تو اس کو برابر کر دے. اگر محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اگر پکی قبروں کو توڑ کر کے انہیں برابر کر دیا تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر عمل کرنا ہوا. اگر اس وجہ سے لوگ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو برا کہتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے, اس لیے کہ بات کہاں پہنچ رہی ہے, یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے کہ وہ کام آپ نے اپنے داماد محترم سے کروایا جو کام حضرت محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کیا. ثابت کیا ہوا کہ ہم وہابی نہیں ہیں. کیوں ہمیں وہابی کہا جاتا ہے آج تک یہ بات میری سمجھ نہیں ہے, اور نہ ہم نجدی ہیں. اس لیے کہ جب ہم کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہی نہیں ہیں تو وہابی کہنا ہم کو اور نجدی کہنا چھ مانا تھا کیا مطلب رہا.